नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है अभी हाल ही में शुरू हुई श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली अमरापुर अरावली एक्सप्रेस की। दोस्तों, वैसे तो ये ट्रेन कोई नई ट्रेन नहीं है क्योंकि इसका नित्य जयपुर से बांद्रा टर्मिनस तक संचालन हो रहा था, परंतु अभी कुछ ही दिनों पहले इस ट्रेन को श्री गंगानगर तक बढ़ाया गया है और आज हम इस ट्रेन की पूरी जानकारी आप सबके साथ में शेयर करेंगे। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है साउद खोकर ने और राज ने, तो आइए अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 19708 श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस वाया जयपुर से चलने वाली अमरापुर अरावली एक्सप्रेस। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन श्री गंगानगर से वाया जयपुर बांद्रा तक के डिस्टेंस 1611 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है लगभग 33 घंटे में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर पर आवर की और इसकी एवरेज स्पीड रहती है 48 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो हर दिन राजस्थान के श्री गंगानगर जंक्शन से रवाना होती है और सीकर, जयपुर, अहमदाबाद के रास्ते से होती हुई मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस के बीच में करीबन 54 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और यह एक मेल टाइप की एक्सप्रेस ट्रेन है। दोस्तों, अगर इस अरावली एक्सप्रेस के हम कोचेस की अगर बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कोच लगते हैं जिसमें AC 2 टायर के कोच लगते हैं। AC 2 टायर के कोच का श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस तक का किराया रहता है 2455 रुपये। AC 3 टायर के इस ट्रेन में कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 1675 रुपये। इन दोनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 620 रुपये। इसमें GST को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। इनके अलावा इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग के भी कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 370 रुपये और सामान्य क्लास के इस ट्रेन में कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 355 रुपये। यह किराया दोस्तों श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस तक का बताया गया है, परंतु इस किराए में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इस किराए को एक बार आप चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच लगता है जो ट्रेन के अंदर ही आपको भोजन संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करता है, परंतु पेंट्री कार के भोजन का अलग से चार्ज भी देना होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन को श्री गंगानगर से अहमदाबाद तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP 4D लोकोमोटिव लेकर जाता है और अहमदाबाद से बांद्रा तक इसे BRC लोको शेड के WAP 5 या फिर WAP 4E, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अरावली एक्सप्रेस के और कौन कौन से ठहराव होते हैं यह विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में शुरू हुई श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली अमरापुर अरावली एक्सप्रेस हर रात 9:40 पर श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। और दोस्तों, श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है सादुल शहर। रात के 10:01 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद रात के 10:03 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है हनुमानगढ़ जंक्शन रात के 10:40 पर और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद रात के 11:05 पर यह ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन से रवाना हो जाती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हनुमानगढ़ टाउन रात के 11:13 पर और 11:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है TB रात के 11:36 पर और 11:37 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है एलनाबाद रात के 11:52 पर और 11:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है नोहर रात के 12:26 पर और 12:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है तहसील बादरा रात के 1:02 पर और 1:05 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है।
फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सादुलपुर जंक्शन रात के 2:20 पर और 2:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है चूरू जंक्शन। रात के 3:35 पर यह ट्रेन पहुंचती है चूरू जंक्शन और दूसरी सुबह 4 बजे यह ट्रेन चूरू जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन का 25 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पर इस ट्रेन का लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगता है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 303 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फतेहपुर शेखावटी सुबह के 4:43 पर और 4:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लक्ष्मणगढ़ सीकर सुबह के 5:06 पर और 5:08 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सीकर जंक्शन सुबह के 5:50 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद सुबह के 6 बजे यह ट्रेन सीकर जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रिंगस जंक्शन सुबह के 7:05 पर और 7:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोविंदगढ़ मलिकपुर सुबह के 7:24 पर और 7:26 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चोमू सामोद सुबह के 7:37 पर और 7:39 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेहर का बालाजी सुबह के 8:10 पर और 8:13 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जयपुर जंक्शन सुबह के 8:25 पर यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर जंक्शन और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद सुबह के 8:50 पर यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। जयपुर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 504 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है आसलपुर जोबनेर सुबह के 9:16 पर और 9:18 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है फुलेरा जंक्शन सुबह के 9:35 पर और 9:37 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नरेना सुबह के 9:46 पर और 9:48 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है किशनगढ़ सुबह के 10:18 पर और 10:20 पर यह ट्रेन किशनगढ़ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अजमेर जंक्शन सुबह के 11:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है अजमेर जंक्शन और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद सुबह के 11:20 पर यह ट्रेन अजमेर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ब्यावर दोपहर के 12:03 पर और 12:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोजत रोड दोपहर के 12:51 पर और 12:53 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ जंक्शन दोपहर के 1:22 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 1:27 पर यह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। मारवाड़ जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 780 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोमेसर दोपहर के 1:48 पर और 1:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जवाली दोपहर के 1:58 पर और दोपहर के 2 बजे यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रानी दोपहर के 2:13 पर और 2:15 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है फालना दोपहर के 2:24 पर और 2:29 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जवाई बांध दोपहर के 2:46 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद दोपहर के 2:48 पर यह ट्रेन जवाई बांध से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है मोरी बेड़ा दोपहर के 2:58 पर और दोपहर के 3 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नाना दोपहर के 3:11 पर और 3:13 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है पिंडवाड़ा दोपहर के 3:28 पर और 3:30 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है।
इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है स्वरूपगंज दोपहर के 3:44 पर और 3:46 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है आबू रोड। शाम के 4:35 पर यह ट्रेन पहुंचती है आबू रोड और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद शाम के 4:45 पर यह ट्रेन आबू रोड से भी रवाना हो जाती है। आबू रोड तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 945 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुजरात के पालनपुर जंक्शन में शाम के 6:10 पर और 6:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है छापी शाम के 6:27 पर और 6:29 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सिद्धपुर शाम के 6:44 पर और 6:46 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है ऊंझा शाम के 7:17 पर और 7:19 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है महसाणा जंक्शन शाम के 7:42 पर और 7:44 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कलोल जंक्शन रात के 8:38 पर और 8:40 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है साबरमती बीजी रात के 9:08 पर और 9:10 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अहमदाबाद जंक्शन। रात के 10 बजे यह ट्रेन पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद रात के 10:25 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। अहमदाबाद तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1130 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है। इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन रात के 11:18 पर और 11:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन रात के 11:40 पर और 11:42 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन रात के 12:23 पर और 12:28 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है भरूच जंक्शन रात के 1:16 पर और 1:18 पर यह ट्रेन भरूच जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अंकलेश्वर जंक्शन रात के 1:28 पर और 1:29 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सूरत रात के 2:17 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद रात के 2:22 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नवसारी रात के 2:42 पर और 2:44 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वापी रात के 3:36 पर और 3:44 पर यह ट्रेन वापी से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दहानु रोड तीसरी सुबह 4:20 पर और 4:22 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है मुंबई के बोरीवली में सुबह के 5:40 पर और 5:45 पर यह ट्रेन बोरीवली से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। बोरीवली तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1593 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुंबई के अंधेरी में सुबह के 6:01 पर और 6:04 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है मुंबई का बांद्रा टर्मिनस। सुबह के 6:35 पर यह ट्रेन पहुंचती है बांद्रा टर्मिनस और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1611 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। दोस्तों फिलहाल इस ट्रेन को टेक्निकल खामी की वजह से श्री गंगानगर से जयपुर तक कुछ समय के लिए 04715 नंबर से स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी श्री गंगानगर से बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली
अमरापुर अरावली ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।